जब वो शामिल हों। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार भी सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने को पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। अश्विनी कुमार के मुताबिक सिंधिया के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा और अब पार्टी को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने उनसे बात की। सर कहां पर चूक रह गई, आपको लगता है कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है कि इस तरह के नेता छोड़कर जा रहे? देखिए, जब भी कोई नेता बड़ा या छोटा या कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को नुकसान होता है। दुखद है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी का दामन छोड़ा है, मगर इसमें हमको अब मंथन करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पार्टी छोड़कर कई लोग हमसे जुदा हुए। मैं समझता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि आज जो कांग्रेस के सामने चुनौती है वो इतनी भारी चुनौती है कि हमारे को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे अपने नेता पार्टी के साथ अपना संबंध मजबूत रखें। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का ही कमी रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, उसके बावजूद पार्टी में जो है अलग थलग महसूस कर रहे थे और फाइनली बीजेपी को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। क्या कारण बने इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि उनको बहुत पद भी मिले, उनको बहुत सम्मान भी मिला, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ एरर ऑफ कम्युनिकेशन तो रहा है। अब उसके क्या कारण थे ये तो वही लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं जो इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में उनके साथ है। अभी आपको लगता है आत्ममंथन की जरूरत, हालांकि 2014 से हम आत्ममंथन की बात सुन रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है सर। आत्ममंथन जरूरी है, हर पार्टी में होना चाहिए। जीती जाती हर पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि समय समय पर जो जो मुख्य मुद्दे हैं या मुख्य विषय हैं उन पर विचार किया जाए। कांग्रेस पार्टी की ये ट्रेडिशन भी रही है, हमने मंथन शिविर शुरू किए, हम विचार करते हैं। ये ज़रूर है कि हमको इन इन कारणों की तय तक जाना होगा और जाना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने